हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर माइक्रो प्रोसेसर पेपर कोड ऑफ दिस सब्जेक्ट इज के सी फोर जीरो थ्री तो स्टार्ट करते हैं विथ यूनिट वन यूनिट वन में आपका फर्स्ट टॉपिक माइक्रो प्रोसेसर इवालुएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इट कैन बी अ टू मार्क क्वेश्चन और टेन मार्क क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट डेटा फ्लो ऑपरेशन जिसमें हम डायग्राम बनाते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी या मेमोरी टू माइक्रो प्रोसेसर डेटा कैसे आता है फिर नेक्स्ट होता है इंटरफेसिंग डिवाइसिस दिस इज ऑल्सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरफेसिंग डिवाइस इज मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसमें हमें वो चार डिवाइसेज बतानी होती हैं एंड सिस्टम बस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट ठीक है नेक्स्ट आपका टाइमिंग डाइग्राम और टाइमिंग डाइग्राम दाँग हमारा जनरली जो आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखो तो या तो आपको फैज का पूछा है या तो एम बी आई ए थर्टी टू या के एनी एडमिट डेटा का पूछा है तो आपको आना चाहिए टाइमिंग डायग्राम बहुत अच्छे से टॉपिक दैट इज डी मल्टीप्लेक्सिंग तो हमारे इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्या हो गए इंटरफेसिंग सिस्टम बस टाइमिंग डायग्राम एंड डी मल्टीप्लेक्सिंग फ्रॉम यूनिट टू यूनिट टू में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ब्लॉक डायग्राम ऑफ एट जीरो एट फाइव एंड पिन डायग्राम ऑफ एट जीरो एट फाइव ब्लॉक डायग्राम तो डायरेक्ट आता है पिन डायग्राम समटाइम्स डायरेक्ट आता है और समटाइम्स क्या होता है कुछ स्पेसिफिक फिन पिंस मैंशन होती हैं और आपको एक्सप्लेन करना होता है कि वॉट इज द वर्किंग ऑफ दिज पिंस तो जनरली ये क्वेश्चन टू मार्क्स में आता है और उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट है वो रेडी है ए एल ई है होल्ड एच एल डी ए है एंट्री सेट है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज इंटरप्ट इंटरप्ट में आपका क्या पूछ सकता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंट्रप्ट में क्या डिफरेंस होता है वैक्टर्ड एंड नॉन वैक्टर्ड इंटरप्ट क्या होते हैं या कोई स्पेसिफिक इंटरप्ट मैंशन होगा एंड पूछेगा वट इज द वैक्ट एड्रेस ऑफ दिस तो आइदर यू कैन लर्न लर्न करने में मगर गलत होने के चांसेस थे तो प्लीज ट्राई टू कैलकुलेट द वैक्टर एड्रेस ठीक है एंड मास्केबल नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या होते हैं एंड वट इज़ द मीनिंग ऑफ मास्केबल इंड नॉन मास्केबल यहाँ मैंने मैंशन भी कर दिया है कि इंटरप्ट से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं तो प्लीज़ इनको देख लें एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ये आपका टेन मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है कि सिम एंड रिम सिम मीन्स की सेट इंटरप्ट मार्स और रिम मीन्स की रीड इंटरप्ट मज तो एटलीस्ट इनको आपको एट बिट्स का एट बिट्स पता होनी चाहिए कि जो एक्मलेटर की एट बिट्स होती हैं फॉर सिम वो क्या होंगी और फॉर रिम क्या होती हैं ठीक है थीके? नाओ नेक्स्ट है हाँ नाउ नेक्स्ट अगेन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एड्रेसिंग मोड्स विथ टू एग्जाम्पल आप यहाँ पर आपके दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द एड्रेसिंग मोड ऑफ एट जीरो एट फाइव विथ एनी टू एग्जाम्पल्स और आपका जस्ट रिवर्स हो सकता है कि मे बी फाइव टू सिक्स इंस्ट्रक्शन आर गिवेन एंड पूछ लेता है कि वॉट इज द एड्रेसिंग मोड ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन तो जब भी आप एड्रेसिंग मोड्स पढ़ो तो बहुत ध्यान से पढ़ो उसकी लैंग्वेज जो एक लाइन की डिफीनिशन है कि एग्जैक्टली exactly वो कहते क्या है कि विच uh, कौन सा वट इज द डिफिशन बिकॉज डिफिशन से ही आपको क्लियर हो जाएगा कि विच इंस्ट्रक्शन कम इन विच एड्रेसिंग मोड कि आपको डिफिनीशन uh, से ही क्लियर हो जाएगा कि कौन सा इंस्ट्रक्शन किस एड्रेसिंग मोड का है ठीक है नाउ एट जीरो एट फाइव इंस्ट्रक्शन टाइप विथ एक्जाम्पल अगेन इसमें समटाइम्स तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन द एट जीरो एट फाइव टाइप्स इंस्ट्रक्शन टाइप या मोस्ट ऑफ द टाइम आ जाता है कि आपके इंस्ट्रक्शन गिवेन होते हैं एंड पूछ लेता है कि एक्सप्लेन दीज इंस्ट्रक्शन या तो आप उनके क्या बता दो कि उनका टाइप क्या है या बता दो कि हाउ मेनी मशीन साइकिल्स आर रिक्वायर्ड या हाउ मेनी टी स्टेट्स आर रिक्वायर्ड तो प्लीज इनको ध्यान दें जनरली जो आपके आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कभी टू मार्क्स में कभी टेन मार्क्स में आता है वो आपके रोटेट इंस्ट्रक्शन है ये आपके आर ए एल इसमें क्या आ जाता है आर ए एल आर ए आर 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 सी एंड आर एल सी ये चार हैं तो ये चारों आपने करने हैं कोई दो या अगर दो टू मार्क्स का आया तो कोई एक होगा अगर टेन मार्क्स का आएगा तो इनमें से कोई दो पूछ सकते हैं वो ठीक है लगते हैं ना थोड़े से आपको टफ लगते हैं एक्स सी एच जी या एक्स टी एच एल और कॉल तो ये भी आपके आ सकते हैं डायरेक्टली कि ये इंस्ट्रक्शन किस टाइप का है या इन इंस्ट्रक्शन को आप विध सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन करो तो आप डायग्राम के थ्रू तो तभी एक्सप्लेन करोगे जब आपको इनका मतलब पता होगा ठीक है नाउ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको आपने छोड़ना नहीं है दैट इज फ्लैग कैलकुलेशन और आपको फ्लैग रजिस्टर भी याद करना है ठीक है फ्लैग रजिस्टर भी आपको आना चाहिए क्योंकि हो सकता है आपसे पहले वो अगर टेन मार्क्स में पूछता है तो ये कह दें कि पहले डिफाइन या ड्रॉ द फ्लैग रजिस्टर ऑफ एट ज़ीरोट फाइव आफ्टर दैट वो आपको दे दे कि कोई नंबर्स हैं इनका फ्लैग कैलकुलेट करके बताएं या एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा हो और उसमें पूछ दे सकता है कि आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ़ दिस प्रोग्राम वट इज द स्टेटस ऑफ फ्लैग्स ऑफ एट जीरो एट फाइव ठीक है तो नाउ नेक्स्ट होता है मेमोरी इंटरफेसिंग मेमोरी इंटरफेसिंग में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं कि एक स्पेसिफिक साइज़ की मेमोरी गिवन हो और उसको आपको 8085 से इंटरफेस करना है तो आप जो मैं वीडियो डालूं ज़रूरी नहीं कि वो आएगा बट एटलीस्ट जो प्रीवियस तीन चार साल के जो पेपर्स हैं उनमें जो भी इंटरफेसिंग का क्वेश्चन है एटलीस्ट आप वो प्रैक्टिस करके जाएं और अभी जो ई का पेपर अगर आपको मिल जाता है तो उसका भी क्वेश्चन आया हुआ है इंटरफेसिंग का वो कर सकते हैं उसका वीडियो भी अपलोडेड है आप वो भी देख सकते हो ठीक है यूनिट थ्री मैंने जैसे पहले कहा था कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ एट जीरो एट फाइव वॉज इम्पॉर्टेंट सेम ब्लॉक डायग्राम ऑफ एट जीरो एट सिक्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और समटाइम्स क्या होगा सिर्फ ब्लॉक डायग्राम ही नहीं बनाने को आएगा ब्लॉक डायग्राम से क्वेश्चन आ जाएगा तो अगर आपने ब्लॉक डायग्राम पढ़ा बहुत ध्यान से तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल समाइम्स पूछ लेता है वट इज द पाइप लाइनिंग वट इज द बेनिफिट ऑफ पाइप लाइनिंग वाई कोर्ट सेगमेंट रजिस्टर्स है सेगमेंट रजिस्टर्स आर सिक्सटीन बिट तो अगर आप वो पढ़ोगे ब्लॉक डायग्राम तो आप सारे क्वेश्चंस के रिप्लाई प्रॉपरली कर सकते हो ठीक है ना वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज फिजिकल एड्रेस कैलकुलेशन ये कभी कभी क्या आता है टू मार्क्स में आता है कभी कभी टेन मार्क का जो क्वेश्चन होता है उसमें एक सब पार्ट होता है मीन्स कि बेसिकली इसकी वेटेज टू मार्क्स की ही होती है ठीक है नाउ पाइप प्लानिंग ऑलरेडी आई हैव टोल्ड एंड फ्लैग रजिस्टर ऑफ 8086 जीरो इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इसमें आपके जो नाइन फ्लैग्स होते हैं तो इसमें जनरली आपको कैलकुलेट करने को नहीं आता है आपको डायरेक्टली पूछेगा कि ड्रॉ द पी एस डब्ल्यू और ड्रॉ द फ्लैग रजिस्टर ऑफ एट जीरो एट सिक्स या डिफाइन ऑल फ्लैग्स ऑफ एट जीरो एट सिक्स गेन एड्रेसिंग मोड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एड्रेसिंग मोड आपका चाहे एट जीरो एट फाइव हो चाहे एट जीरो एट सिक्स हो आपको टिप्स होना चाहिए क्योंकि इनमें से एक तो आता ही आता है जनरली आपका 8086 आता ही आता है ठीक है ना 8086 के इंटरप्ट इस ना मेमोरी सेगमेंटेशन अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट ये कभी टू मार्क्स में आ जाता है कभी टेन मार्क्स में आ जाता है अगर टू मार्क्स में आता है तो आपने बस नाम बताना है और उसकी एड्रेस की रेंज बताना है या वॉट इज या वॉट इज द साइज ऑफ वन सेगमेंट और अगर ये टेन मार्क्स में आता है तो आपको वो सेगमेंट वाला डायग्राम बताना है उसमें उसका बेस एड्रेस बताना है सब कुछ बताना है उसमें रेंज क्या होगी एड्रेस की रेंज क्या होगी एड्रेस कहाँ से कहाँ शुरू हो रहा है ये सारी चीज़ें आपको इसमें बतानी होगी और स्पेसिफिक सेगमेंट किसके लिए अलोकेटेड कोड के लिए है या आपके डेटा के लिए है ये सारी चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी अगर टेन मार्क्स में आता है तो ठीक नाउ यूनिट फोर यूनिट फोर में आपके आते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉल एंड रिटर्न टू मार्क्स का आ सकता है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब रूटीन और आई एस आर इंटरप्ट सर्विस रूटीन ये वर्किंग कैसे होती है ये आपको पूछा जा सकता है सेकेंड थिंग एक स्मॉल प्रोग्राम गिवेन होगा उसमें आपको काउंट की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोल सकता है या आपका इसी टाइम डिले से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है ठीक है ये मैंने यहाँ पे बोल दिया है कि यहाँ पे टाइम डिले कैलकुलेशन होगा या तो आपका काउंट कैलकुलेशन होगा काउंट का मीन्स है कि इतना डिले प्रोवाइड करने के लिए स्पेसिफिक डिले प्रोवाइड करने के लिए वट इज़ द काउंट वैल्यू विच इज़ लोडेड इन द काउंटर ठीक है क्योंकि डिले तो तभी आएगा ना जब हम काउंटर डालेंगे डेटा फीड करेंगे ठीक अब आते हैं प्रोग्रामिंग की बात में तो इसमें आपके मल्टीप्लीकेशन डिवीज़न काउंटर के प्रोग्राम और इसमें ब्लॉक ट्रांसफ़र का प्रोग्राम भी आया हुआ है सी का तो आप उसे भी देखें ये मैंने मैंशन कर दिए हैं ब्लॉक ट्रांसफ़र कि ब्लॉक ट्रांसफ़र का मीन से एक सेट ऑफ डेटा दे रखा है उसको वन उसके सोर्स प्लेस से उठा के डेस्टिनेशन प्लेस में ट्रांसफर करना है ठीक है नाउ व्हाट इज द वर्किंग ऑफ पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन या पुश एंड पॉप कैसे काम करता है इट कैन बी अ टू मार्क क्वेश्चन और अगर ये टेन मार्क्स में आएगा तो विथ स्टैक आएगा सबसे पहले आपने स्टैक बताना होगा देन पुश एंड पॉप को विथ सुटेबल डायग्राम एक्सप्लेन करना होगा ठीक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इज फाइंड द लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर तो आपने क्या करना है आई लार्जेस्ट याद करना है और स्मॉलेस्ट करना है एक ही याद करना है देयर इज अ डिफरेंस ऑफ सिंगल इंस्ट्रक्शन तो बस वो इंस्ट्रक्शन आपने याद रखना है कि व्हाट इज द चेंज बोथ यूनिट फाइव आपको जो है जो भी बच्चे ऐसे हैं कि कि जो कि सिर्फ पास होना चाहते हैं तो दिस इज द यूनिट जो आपको ईजिली पास करा सकती है ठीक है क्योंकि इसमें आपकी जितनी भी आईसी दे रखी हैं उसमें से भी आपको मैंने 8, 8255, 8259, 8253, इनके तीन के ब्लॉक डायग्राम बहुत अच्छे से आने चाहिए ब्लॉक डायग्राम विथ एक्सप्लेनेशन ठीक है ये बहुत अच्छे से आना चाहिए इन तीन में से एक आना श्योर होता है ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन इससे क्या बनता है शॉर्ट नोट ऑफ एट टू थ्री सेवन डीएमए कंट्रोलर का मोस्ट ऑफ द टाइम शॉर्ट नोट आता है समटाइम्स ब्लॉक डायग्राम भी आ सकता है तो इसका ब्लॉक डायग्राम और एक डीएमए होता बेसिकली क्या है कैसे काम करता है आपको पता होना चाहिए ठीक अगर ब्लॉक डायग्राम आएगा तो आप ब्लॉक डायग्राम बनाओगे अगर उसने कहा शॉर्ट नोट तो आप डिफाइन दिखाओगे कि डीएमए बेसिकली कैसे माइक्रो प्रोसेसर की बसेस को लेता है या रिक्वेस्ट करता है देन कैसे वो प्रोवाइड करता है मेमोरी को टू टूट रिटर्न ट्रांसफर ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अब आते हैं मोड्स में तो मोड्स जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके बी एस मोड के आ जाते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है मोड्स ऑफ ए टू फाइव फोर जिसमें आपको सिक्स मोड्स होते हैं जिसमें आप सबकी वेफ फॉर्म्स के थ्रू उनको शो करोगे ठीक है नाउ ये टू मार्क्स का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए टू फाइव थ्री एंड ए टू फाइव फोर अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया अगर उसको से शुरू करना है तो स्टार्ट विथ यूनिट फाइव यूनिट फाइव से स्टार्ट करो उसका स्टार्टिंग की चार यूनिट से कोई भी लिंक नहीं है और ये आपको आराम से ट्वेंटी फोर नंबर दिला सकती है ठीक है क्योंकि हर यूनिट की वेटिस ट्वेंटी फोर मार्क्स की है ना तो ये आपको इजिली ट्वेंटी फोर मार्क्स दिला सकती है आफ्टर दैट आप स्टार्ट करो एट जीरो एट फाइव और एट जीरो एट सिक्स तो उसमें भी आप जब स्टार्ट करो तो पहले आप क्या करो एट जीरो एट फाइव और एट जीरो एट सिक्स के पिन डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम दोनों के कर लो चार क्वेश्चन यहाँ से हो गए चार में से एक तो आई नहीं है फिर दोनों के एड्रेसिंग मोड्स कर लो एड्रेसिंग मोड भी किसी एक किया जाएगी फिर आप इंटरप्ट कर लो नहीं फिर आप फ्लैग रजिस्टर कर लो दोनों में से किसी एक का फ्लैग रजिस्टर आएगा ठीक है तो इस तरीके से आप अपना डिजाइ आप करो कि किस तरीके से आपने करना है गैप है आपके पास अच्छा खासा इधर अभी से स्टार्ट करो या तब स्टार्ट करना सिलेबस बहुत ज़्यादा है तो आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करें और उस हिसाब से पेपर करें ठीक है ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन थैंक यू